अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल बैंकिंग साकिब। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे मोबाइल इंस्टॉलमेंट ऑन जीरो मार्कअप के वाले से, यानी किस्तों पे मोबाइल आप लें वो भी जीरो मार्कअप पे, यानी जितने का कैश पे है उतने का ही इंस्टॉलमेंट पे। अगर आप भी मोबाइल लेना चाहते हैं जीरो मार्कअप पे, यानी जितनी उसकी मार्केट में कैश प्राइस है उतने का आप किस्तों पर लेना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आज की वीडियो में आप लोगों को तफसील से इस हवाले से बताऊंगा दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो मोबाइल की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अब हर बंदे के लिए जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए मोबाइल कैश पे लेना बहुत मुश्किल है। इसलिए आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे मोबाइल जो है वो किस्तों पे ले सकते हैं, वो भी कैश प्राइस पे। यानी अगर मोबाइल 1 लाख का है किस्तों पे, सॉरी कैश पे, तो आप किस्तों में भी 1 लाख का ही लेंगे। अगर 20,000 का है, 40,000 का है, 50,000 का है, जितने का मोबाइल है कैश पे उतने का आपको किस्तों में भी आप लेंगे दोस्तों। आज की वीडियो में तफसील से इस हवाले में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली अपडेट आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों आप लोगों को लेके चलूंगा बैंक अल्फला की ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ पर आपको बताऊँगा कि कौन कौन सा मोबाइल है, उसमें कौन कौन से मॉडल हैं, तमाम कंपनियों के मोबाइल हैं उसमें, तमाम कंपनियों के तमाम मोबाइल्स के तमाम मॉडल हैं, जो नए मॉडल हैं अपडेटेड मॉडल तमाम उसमें मौजूद होंगे, उनका तमाम का एक एक मोबाइल का आप लोगों को बताऊंगा। उसमें प्लान यानी इसका इंस्टॉलमेंट प्लान क्या होगा, मंथली किस्त कितनी होगी, कितने महीनों की किस्तें होंगी, इसमें एडजस्टेबल मंथ्स हैं यानी 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, जितने भी आप करना चाहते हैं, जितना टाइम आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आप अपनी मर्जी से उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं बैंक अल्फला की ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको लोग चीज़ें तफसील से बताते हैं। दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। जी दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं गूगल क्रोम पर। गूगल क्रोम पर आपने सबसे पहले यहाँ पर लिखना है बैंक अल्फला इंस्टॉलमेंट प्रोडक्ट्स। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके ऊपर सबसे पहला जो वेबसाइट आएगी जी इंस्टॉलमेंट प्रोडक्ट्स बैंक अल्फला, इसको आपने ओपन करना है। इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने जो विंडो ओपन होगी जी दोस्तों, ये हमारे सामने विंडो ओपन हो रही है इंस्टॉलमेंट प्रोडक्ट्स की। ये दोस्तों इसमें हमारे पास ये जो मिड में है इसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलमेंट प्लान्स। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। उसके ऊपर डिफरेंट जो आइटम्स हैं, जो बैंक अल्फला है वो आपको ऑफ़र कर रहा है, उस वो तमाम चीज़ें इस पर डिस्प्ले हो जाएंगी। ये दोस्तों इसके सामने आ गई हमारे सामने जो बैंक अल्फला जीरो मार्कअप पे क्या क्या चीज़ें दे रहा है। उसमें स्मार्ट फूड्स हैं, होम अप्लाइंसेज हैं, मोटर बाइक है, लैपटॉप है, गैजेट्स हैं, उसके अलावा LCD है, उसके बाद किचन अप्लाइंसेज है, उसके बाद हेल्थ एंड लाइफस्टाइल्स है, फर्नीचर है, और डिफरेंट चीज़ें जो बैंक अल्फला जीरो मार्कअप पे ऑफर कर रहा है। लेकिन आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन की, स्मार्ट फोन पे। तो हम स्मार्ट फोन पे क्लिक करेंगे, जैसे हम स्मार्ट फोन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो नई विंडो आएगी उसके ऊपर दोस्तों आप देखेंगे कि तमाम कंपनियों के मोबाइल फ़ोन, इसमें आईफोन, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, इन्फिनिक्स, हवावे, टेक्नो, उसके बाद MI मोबाइल, नोकिया, Realme, OnePlus, यानी तमाम बड़ी कंपनियों के मोबाइल इसमें परचेज कर सकते हैं। इसमें से हम कोई भी एक करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं, अगर हमने आईफोन लेना चाहते हो, आईफोन के ऊपर क्लिक करेंगे ये दोस्तों, इसमें जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे नीचे हमारे पास डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो हमारे सामने आईफोन का जो प्लान है वो डाउनलोड हो जाएगा। जी दोस्तों ये आईफोन का प्लान डाउनलोड हो रहा है, ये इसको हम ओपन करते हैं। इसको हमने ओपन कर लिया, ये हमारे सामने आईफोन का प्लान आ गया। इसमें हम आईफोन 11, आईफोन 13, आईफोन 12 यानी सारे इसमें हम ले सकते हैं। इसमें 2 लाख से लेकर 4,49,000 तक मोबाइल हम इसमें परचेज जो कैश प्राइस है उस पर हम ले सकते हैं। लेकिन आप याद रहे कि इसमें पहले जो 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने तक अगर आप लेना चाहते हैं आईफोन, कोई भी आईफोन लेना चाहते हैं, तो जितने का उसकी मार्केट में कैश प्राइस है उतने का ही आप किस्तों पर लेना चाहते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा प्लान पर लेना चाहते हैं यानी 12 महीने से ज़्यादा, आप 18 महीने का, 24 महीने का या 36 महीने का, तो फिर आपको बहुत कम परसेंटेज आपको मार्कअप देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 12 महीने का लेते हैं तो फिर आपको जीरो मार्कअप, यानी आपको 1 रुपया भी बैंक को एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। जितने का मोबाइल है ओरिजिनल प्राइस है, जितनी उसकी मार्केट में प्राइस है उतने का मोबाइल आपने देना है। उसके बाद दोस्तों उतनी ही आपने इंस्टॉलमेंट पर अमाउंट पे करनी है। दूसरी तरफ देखते हैं ज़रा, उसके बाद दोस्तों इसको हम बैक पर चलते हैं।
आईफोन के अलावा कोई और प्लान देखते हैं। ये दोस्तों इसमें हम देख लेते हैं, इन्फिनिक्स देख लेते हैं। इन्फिनिक्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इन्फिनिक्स के जो डिफरेंट मॉडल्स हैं वो आ जाएंगे। इसके प्लान के लिए हम दोस्तों इसको डाउनलोड करते हैं या इसको न्यू टैब में खोलते हैं। न्यू टैब में खोल के हम इस पर देखते हैं कौन कौन से मॉडल इसमें हमें ऑफ़र किए जा रहे हैं। जी दोस्तों ये हमारे पास इन्फिनिक्स के प्लान्स आ गए। इसमें दोस्तों आप देखें ज़रा मॉडल इन्फिनिक्स स्मार्ट 6, हॉट 11, हॉट 12, हॉट 12 6, 6 प्लस 128 यानी 6 GB रैम और 128 GB उसकी रोम मेमोरी। इसमें ये तमाम इन्फिनिक्स 12, उसके अलावा इन्फिनिक्स नोट, नोट 0। ये दोस्तों इसमें एक बात है कि इसमें 9 महीने तक के आपको 0 मार्कअप, यानी अगर आप मोबाइल लेते हैं ये 26, सबसे पहले की अगर बात की इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 का, यह 26,400 रुपये का, 26,400 रुपये का अगर आप लेना कैश पे इसकी प्राइस है। अगर आप इसको किस्तों में लेना चाहते हैं 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने के लिए, तो आपको जितने का मोबाइल है उतनी अमाउंट आपको बैंक को पे करना पड़ेगी, यानी 26,400 आपने देना है। चाहे आप 3 महीने में दें, चाहे 6 महीने में दें, चाहे आप 9 महीने में दें। अगर आप प्लान बढ़ाना चाहते हैं 12 महीने का, तो फिर आपको माइनर सी अमाउंट जो है वो माइनर सी परसेंटेज आपको बैंक को मार्कअप देना पड़ेगी। लेकिन हम आज की वीडियो में बात करें 0 मार्क, तो हम 0 मार्कअप पर बात करेंगे। हम 9 महीने तक कोई भी इन्फिनिक्स मोबाइल जो है 9 महीने तक के प्लान के लिए वो हम ले सकते हैं 0 मार्कअप पे। यानी ये एक नीचे मोबाइल है इन्फिनिक्स 0X, ये है 57,100 का। तो हम इसको बेशक 3 महीने में लें, 3 किस्तों में, 6 किस्तों में या 9 किस्तों में, वो हमारी हमारी मर्ज़ी। हम जितनी हम किस्त आसानी से पे कर सकते हैं उस हवाले से हम इसमें किस्त सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, तो हमें 0 मार्कअप देना पड़ेगा। यानी जितने का मोबाइल है उतनी ही प्राइस उसमें अदा करनी पड़ेगी। उसके बाद किसी इसके अलावा कोई और देखते हैं मॉडल। जी दोस्तों इसके अलावा देखते हैं, अभी हम सैमसंग का देख लेते हैं एक प्लान। ये सैमसंग के ऊपर क्लिक किया दोस्तों, तो अभी हमारे पास सैमसंग के कौन कौन से जो अवेलेबल मॉडल हैं वो उसकी डिटेल आ जाएगी। जी दोस्तों ये हमारे पास आ गई, इसको हम डाउनलोड करेंगे तो हमारे सामने इसका प्लान भी आ जाएगा। डाउनलोड हो रहा है दोस्तों। इसमें एक चीज़ याद रहे कि आप लोगों ने पहले अपनी जो इंस्टॉलमेंट पे करनी है उसका आप लोगों ने ये अंदाज़ा कर लेना है कि आप कितनी इंस्टॉलमेंट आसानी से पे कर सकते हैं। अगर आपकी मंथली इनकम ज़्यादा है तो फिर आप कोशिश करें कि कम टाइम के लिए 3 महीने के लिए ले लें, तो आप आसानी से जल्दी अपनी इंस्टॉलमेंट पे कर सकें। अगर आपकी मंथली इनकम कम है तो फिर आप कोशिश करें कि आप थोड़ा सा प्लान ज़्यादा कर लें ताकि आपकी किस्त छोटी हो जाए और आप आसानी से पे कर सकें। ये दोस्तों इसका प्लान ओपन हो गया है। सैमसंग में जो डिफरेंट मॉडल्स हैं दोस्तों, इसमें है A S22, A23, A32, उसके बाद A13, उसके बाद है दोस्तों S22, A23, A32। ये दोस्तों इसमें मैं आपको किसी एक मोबाइल का बता देता हूँ। A32 की अगर देखा जाए तो मार्केट में इसकी प्राइस है 51,000 रुपये। तो अगर आप बैंक से ये 3 महीने के लिए लेते हैं, 6 महीने के सैमसंग के लिए है, जो आईफोन के लिए दोस्तों 12 महीने तक 0 मार्कअप था, इन्फिनिक्स के लिए है आपका 9 महीने, लेकिन सैमसंग के लिए आपका 6 महीने तक 0 मार्कअप है। यानी 6 महीने तक अगर आप लेना चाहते हैं तो इसमें से मोबाइल, अगर आप A32 की बात की जाए तो 6 महीने की अगर आप 17,000 रुपये किस्त दे सकते हैं, तो फिर आप 3 महीने के लिए लें, 3 महीने में आपको कोई बैंक को एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। और अगर आप 6 महीने के लिए 8,500 किस्त दे सकते हैं, तो 8,500 आप किस्त दे दें और आपको 51,000 रुपये ही टोटल बैंक को पे करने हैं। अगर आप प्लान बढ़ाना चाहते हैं, अगर आपकी किस्त और मज़ीद काम करना चाहते हैं, फिर आपको बैंक को माइनर सी अमाउंट, जो माइनर सी परसेंटेज है, वो मार्कअप देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किस्त ज़्यादा दे सकते हैं तो फिर आपको बगैर मार्कअप के, यानी 0 मार्कअप, जितने की उसकी मार्केट प्राइस है उतने का ही आप इसमें परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ बता दूँ कि इसमें इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कौन लोग ये ले सकते हैं, कौन लोग ये नहीं ले सकते, उसकी चीज़ बता दूँ कि उसके लिए सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है कि जिस जिस बंदे के पास में बैंक अल्फला का या किसी भी बैंक का
अस्करी बैंक का या उसके अलावा सिल्क बैंक का या किसी भी बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड आजकल बनवाना बहुत आसान है दोस्तों। अगर आपकी 20 से 25,000 सैलरी है तो हर बैंक आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहा है। क्रेडिट कार्ड पे माइनस से मंथली चार्जेस होते हैं, वो भी अगर आप इस्तेमाल ज़्यादा करें, उसका बैलेंस यूज़ करें तो तब आपको चार्जेस ज़्यादा पड़ते हैं, अदरवाइज़ आपको उसके चार्जेस भी बहुत सारे बैंक अदर वो भी चार्जेस आपको वेव कर देते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो मेरी अगर अच्छी लगी इसको लाइक कीजिएगा, अगर इसमें अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, मैं आपके तमाम सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में लाजमी। दोस्तों मेरी वीडियो को लाजमी आगे शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, उसके अलावा फेसबुक पे या डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिएगा ताकि मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।